दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबीटेक में। आप सभी के लिए बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ चुकी है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि आज बीएड वर्सेस बीटीसी मामले की सुप्रीम कोर्ट पर सुनवाई होनी थी, जहां से अब अपडेट निकल के आ चुकी है, यानी तो बीएड पर फैसला हो चुका है। और जो 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट से बीएड को बाहर करने का आदेश जारी हुआ था, आखिर वो फैसला कब से माना जाएगा? जब से नोटिफिकेशन एनसीटी ने जारी किया था, मतलब 2018 से माना जाएगा या 2023 से माना जाएगा, इस पर सब कुछ क्लियर हो चुका है। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको ये दिखा देता हूँ, देवेश शर्मा की तरफ से देखिए अपडेट किया गया था कि सुप्रीम कोर्ट में आज बीएड वर्सेस डीएड केस पर महत्वपूर्ण सुनवाई होने वाली है। जजमेंट कब से लागू होगा और चिन्हित बीएड वालों का क्या होगा, इस मुद्दे पर आज की सुनवाई थी। देखिए 8 अप्रैल आज की ही अपडेट है। इनकी तरफ से अभी बताया गया था कि बीएड की तरफ से सीनियर एडवोकेट पीएस पटवालिया, पूर्व एएसजी सीनियर एडवोकेट रंजीत सिंह, पूर्व एजी मुकुल जी, एसजी तुषार मेहता रोहतगी व अन्य सीनियर एडवोकेट बीएड की तरफ से उपस्थित रहेंगे। और कोर्ट नंबर 5 में जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस धुलिया जी की बेंच में 2 बजे से स्पेशल बेंच में सुनवाई होनी थी। तो कुल मिलाकर के पूरी अपडेट निकल के आ चुकी है। और आप सभी के लिए हम लोग कह सकते हैं, जितने भी चयनित बीएड हैं उन सभी के लिए खुशखबरी है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चयनित जितने भी बीएड अभ्यर्थी हैं वो पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। ठीक है, चयनित बीएड अभ्यर्थी सुरक्षित हैं, मतलब ये जो आदेश है जिसमें बीएड को बाहर किया गया, ये 2018 से नहीं लागू होगा, बल्कि जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया उसी दिन से लागू माना जाएगा। मतलब ये जो आदेश है आपका 11 अगस्त 2023 जिस दिन बीएड को बाहर किया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उस दिन से लागू माना जाएगा पूरे इंडिया पर। और जितने भी इससे पहले बीएड अभ्यर्थी सेलेक्ट हो गए थे अलग अलग वैकेंसीज में, वो पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। तो फिलहाल अभी तक की बिल्कुल ये अपडेट निकल के आई है। अभी इसकी ऑर्डर कॉपी अपलोड नहीं हुई, जैसे ही ऑर्डर कॉपी अपलोड होती है चैनल के माध्यम से हम आपको अपडेट कर देंगे। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।